सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज आप देख रहे होंगे एकदम थार के अंदर व्लॉग स्टार्ट है। ये वी गो, अपने रजत भाई आ चुके हैं। रजत का एक्चुअली में रजत का खुद कॉल है मेरे पास और कहने लगा सन्नी भाई आ जाओ, आपको वादा किया था ना मैंने राइड का, तो राइड लेने जा रहे हैं। आज ऑफ रोडिंग टेस्ट है। देखो, ऑफ रोडिंग टेस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि मौसम आजकल भाई उत्तराखंड का बहुत खराब चल रहा, तो वैसे वैसे जगह है ना, आउटिंग कह सकते हैं हम, क्या आउटिंग है, एक छोटी सी आउटिंग कर रहे हैं हम लोग क्योंकि भाई आज बोर भी बहुत ज्यादा बोरियत हो रही थी ना भाई के सबसे काम पे बैठे रहोला तो, और खाली में बोरियत बहुत ज्यादा होती है, तो एक छोटी सी आउटिंग निकाल ली हमने। मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक राइड करके आते हैं अपनी थार में। थार इसी बात में तो मशहूर है, थार कुड़ियों। तो भाई एक आउटिंग तो भाई एक आउटिंग करके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, रजत भाई के साथ। तो थोड़ा बहुत कुछ खाए पिएंगे, अपना मजे करेंगे। अभी हमने अजीम को कॉल करा, तो इस ब्लॉग को पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त विकेश सैनी। रजत को मेरा ये जो इंट्रो है ना, ये बढ़िया लगता है। मतलब जब भी मैं ये चीज बोलता हूँ ना इसके सामने, तो ये पहले ही बोल देता है विकेट सैनी। तो गाइस, आज का जो सीन है, अभी मैंने अजीम को कॉल करा, अजीम भाई को कॉल करा, मैंने कहा भाई कहाँ हूँ। अजीम भाई के एज यूजुअल वही अपना नखरे जो होते हैं उनके भाई मैं अभी ना थोड़ा सा बिजी हूँ, या मैं अभी पहले किसी को फोन करा था मैंने पहले इसको फोन करा था, अच्छा ये कर रहा नखरे, अच्छा मैंने कहा भाई चल ज्यादा मैं देता नहीं देख रहे अजीम भाई देख रहे हो भाई जी, आ जाओ बस आराम से पीछे बैठ जाइए, घूम लियो ना भैया। आपको जो मैंने कहा भैया चल रहे नहीं, आप जल्दी आओ। हाँ। इतनी खूबसूरत लगी मुझे ये बात एकदम बात है भाई, सही बात है भाई। देखो यार, दोस्तों के लिए यार कोई बहाने नहीं होने चाहिए, यार दोस्ती में कैसे बहाने, नहीं आना साफ मना, आना है भैया, आ जाए जल्दी फटाफट आना है। बिल्कुल सही बात है, जल्दी आओ। तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ यार, इधर लोग देख रहे थे कि मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ ना अभी एक लड़की देख रही खड़ी होके, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं किससे नहीं। तो गाइस मैं बता दूं, अभी अजीम भाई को कॉल करा, अजीम भाई अब देखते हैं 5-10 मिनट उनके होटल पे इंतजार करते हैं, आगे ठीक नहीं तो बेचारा रह जाएंगे ट्रिप पे, वो बेचारी इतनी बढ़िया ट्रिप पे, चलते हैं देखते हैं, ठीक है। हमने फर्ज अदा करा, हमने अपना फर्ज अदा कर लिया, ठीक है। और गाड़ी कैसी चल रही भाई? बढ़िया। और डलवा दी तो योकोहामा, अच्छा पांचो टायर डलवा दिए भाई, लाइट डलवा दी आगे, लाइट डलवा दिए, लाइट डलवा दी, अच्छा लाइट चेंज करवा दी। एक चीज और मेरे कहने से इसमें चेंज करा, इसकी ग्रिल मुझे यही पसंद है। मैं बता रहा हूँ कौन सी वाली ग्रिल, पता है कौन सी वाली वाली ना, एक अलग ही ग्रिल है, अलग सी एक ग्रिल है, क्या नाम है तो उसका, एक तो एंग्री प्रीडेटर, प्रीडेटर एक तो प्रीडेटर वाली आती है, एक एंग्री बर्ड वाली ग्रिल आती है, एंग्री बर्ड वाली आती है, एक ग्रिल और है इसकी जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई, जिससे बहुत ही बढ़िया, मतलब वो लगेगी ऐसी लाइट वाली, बहुत ही बढ़िया ग्रिल है, मैं दिखाऊंगा आपको, दिखाना। तो भाई अभी चलते हैं। आजकल शहर में सबसे ज्यादा मुसीबत इन चीजों की है भाई, रजत भाई ये देखो जगह जगह पे ना लोग वाग, एक तो गाड़ी पता नहीं कैसे चलाने लग गए, तो सबसे रॉन्ग हैबिट है ये, उतरना नहीं चाहिए, आपका इंश्योरेंस है ना, हाँ क्यों पंगे लेना। और देख भाई इसके हाथ में ना, हाथ में रूल ले रखा और ड्राइव कर रहा, तो इसलिए भाई एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये मैंने ज्यादातर देखा। रोड पे निकले लगी तो है थोड़ी बहुत, यार नॉर्मल सी बात है, जब रोड पे चलोगे तो गाड़ी थोड़ी बहुत टच होनी होनी है तो भाई, ठीक है। पंगे से रोना तू, मैं अब पंगे होने से क्या, कौन सा वो सही करवा देगा भाई, अगर चलो लग गई किसी ने, कोई अगला आदमी सॉरी बोल रहा तो ठीक है यार, इतने में अपना गाड़ी लगती है यार, जब रोड पे चलेगी गाड़ी लगेगी, जा रहा ना ड्राइवर बढ़िया है ऐसे, हाँ हैवी ड्राइवर ऐसे ऐसे ज्यादा हमारे, धूम धूम देखो भाई साहब, मस्त लुक आ रहा है, बीस्ट लग रहे भाई। खैर यार ब्लैक कलर तो ब्लैक ही भाई, ब्लैक में लाजवाब लगती है। तो गाइस देखो रजत भाई ने कितना बड़ा टायर है, कितना बड़ा टायर है, ओ भाई बहुत बड़ा टायर है भाई, बहुत बड़ा टायर है, चौड़ाई भी इसकी ज्यादा है, ये देखो गाइस कितना चौड़ा टायर है। तो ईवी को गाइस इधर मिल गए अपने अजीम भाई, और अजीम भाई ने हमें बहुत वेट करवा दिया। अजीम भाई कहाँ थे आप?
तो भाई आ गए अजीम भाई आखिरकार आखिरकार चल दिए थार में। भाई जो आपने मैकेनिक बताया था ना बहुत सॉलिड सही था। अरे बढ़िया थार में एसी की ये जो क्यों ना छेड़ो ये बता दो टूट जाए डेलिकेट आइटम है इसकी। अच्छा सही में डेलिकेट है क्या अजीम भाई जिमने कर रहे थे। अरे गाड़ी ऐसी है नहीं भाई नहीं रफ टॉप गाड़ी है बताने की जरूरत नहीं है ठीक है ऐसी काम नहीं अब तो सही काम करता है भाई यार ऐसी बात नहीं बिल्कुल सही है। तो बढ़िया चल रहा है भाई चंडीगढ़ का कब मनाना सीन बस कल बात कर ले उससे कल बात करके चेक कर ले चलेंगे चेक परसों तक क्योंकि हम वेट नहीं करेंगे बस वहाँ सब कुछ ओके होगा गाड़ी लेनी घूमना रहना पक्का। हम ये सोच रहे थे ट्रक में हमारे सामने उतर जाए छोटी लेकिन उतर जाए अपने सामने अच्छा वो डिलीवरी वाला ही था अनबॉक्सिंग हो जाए चलो भाई ठीक है यहाँ चले गए किसान कार्ड दिखाना है नहीं चल लगा तू ये लोकल है ना सिर्फ किसान कार्ड दिखाना ये नहीं बताना कि लोकल है क्यों भाई अब ये बता दिया तो फिर तो हमारी तो लोकल की फ्रीक है भैया हार्ड कॉपी होना आपके पास चलेगा नहीं चलेगा चलो देखते हैं। चल गया भाई चल गया चल गया भाई किसान कार्ड चल गया भैया मेरठ के अलावा हाँ। और चंडीगढ़ और अंबाला के बाद हाँ। कहीं नहीं चलने का चुटमलपुर वाले पे हाँ। आठ डोईवाला वाले पे भगवानपुर वाले पे यहाँ वाले पे पुरकाजी वाला पे रोहाना वाले पे और प्रतापपुर दिल्ली वाले पे तो हाँ। चलेगा चलेगा पक्का गारंटेड हाँ सिर्फ मेरठ नहीं चलेगा भैया। अरे भैया मैं हंसी की बारी अजीम भाई देख लो हंस रहा किससे करवा लो आप कंप्यूटर वाले से हाँ करवा ले करवा दे भैया यार पानी वानी भर रहा हूँ मजा फोर बाय फोर चेक रोड रोड में चलेगी मजा नहीं उधर तो पानी भी बहुत भयंकर भरा दूंगा यार वैसे चिल्ला जगह बढ़िया है वैसे है ना बहुत बढ़िया मस्त जगह है यहाँ ऑफ रोड सही होगी है बहुत बढ़िया ऑफ रोडिंग होगी बहुत बढ़िया ऑफ रोडिंग होगी वही सोच रहा हूँ यहीं से उतार दूँ इधर को चढ़ा दूँ सोच रहा रोड से हटा के गाड़ी अभी कच्चे में उतार दूँ बस बहुत बढ़िया मैं धुलवा के दूंगा तुझे दिल्ली की जमीन ना वो क्यों क्यों ये बहुत गंदी हो जाए अरे यार तो काली पड़ी सफेद बहुत सी काली चीज बहुत बढ़िया हो टेंशन क्यों ले रहा तू सरप्राइज दे देंगे पब्लिक को एक और कहाँ लग गया स्क्रैच यार ब्लैक कलर का थोड़ा रहता है ये मसला हाँ भाई बढ़िया लगा हुआ इस पे स्टिकर चिपकाऊंगा मैं स्टिकर मंगा लिया ब्लैक कलर का थोड़ा मसला रहता है ये इस पॉइंट पे आ रहे जब तू है आया इस पॉइंट पे पहले ये तो पेंट काट दे मैं कभी नहीं आया भैया आया नहीं अजीम तू तो आया होगा मैं वहां आया क्या कह रहा है पेंट काट दी क्या वो जहां से मिट्टी कटी ना ऊपर से हां 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 मैं वहां पे आया वो भाई वो जो टीला ना वो पहले यहाँ तक यहाँ तक था वो पूरा इस बार सारा कट गया तेंदुआ कहीं से भी आ जाए यहाँ यहाँ मैंने तीन हाथी देखे जंगली नहाते हुए एक बार बिल्कुल यहाँ क्योंकि पीछे सारे जंगली तो वो उधर की साइड ओए होए होए भाई यहाँ का क्या मस्त लुक आ रहा क्या नहीं तो तेरी गाड़ी तो यहाँ तक आ जाएगी आराम से तो आर पार निकल जाएगी है भाई रजत निकल जाएगी आर पार नदी से आर पार करे भाई आज हाँ लेके आए भाई आइलैंड पे आ गए अभी तो देखिए क्या जबरदस्त आइलैंड लग रहा हाईवे लोग यहाँ तो कोई हम पहली बार चंद्रयान की तरह कोई
पानी देखियो क्या मस्त हो रहा, ठंडा हो रहा होगा बिल्कुल। इधर की साइड आ देख, इधर की आलू का आ रही। इधर की तो लुकी बड़ी धसो आ रही यार, सही में इधर का जो व्यू आ रहा ना भाई, व्यू पागल आ रहा है इधर का, कैमरे में बड़ा सही दिख रहा। मैं अजीम भाई, अजीम भाई लग रहे फोन में, मैं तो स्नैप डाल लो क्या। हार खड़ी कर रखी हमने वहाँ सामने, वो देखो वो खड़ी हमारी गाड़ी, ठीक है। और अभी फिलहाल हम आए यहाँ पे, मेरे दिमाग में जिम के सर्कल चल रहे कैसे कैसे सर्कल बनाए वहाँ सर्कल बनाए। फैंटेसी तो नहीं आ रही कोई? वाइल्ड फैंटेसी तो नहीं दिमाग में आ रही? मैं जब वो आवे ना फिर तो घास ज्यादा हो गई यहाँ, ये रहा देख, ये सांप का ही बिल है, सांप ही होंगे इसके अंदर, जमीन में अंदर कहीं। भाई रात पता क्या हुआ अजीम, मैं बेड पे लेटा और मेरे बेड के किनारे में सांप चल रहा इतना बड़ा, कसम से घर के, कहाँ पे? घर पे। कैसी भाई मैगी? बढ़िया। तो गाइस अभी मैगी वगैरह खा रहे हैं अपना और फिर चलते हैं अपना उसके बाद। अजीम को भूख भी नहीं लग रही थी, रजत को लग रही थी लेकिन भूख है। जब बरसात हुई ना तो ये नदी वहां तक भरते हुए चल रही थी, उन कोनों के पूरे इस पुल पे पानी था। इस पुल पे कौन से वाले पुल पे? भाई साहब मैं क्या कह रहा, अगर इस पुल तक पानी आ गया ना, नहीं नहीं इस पुल तक अगर पानी आ गया ना तो रुड़की का पता नहीं लग रहा कहाँ गया। मैं क्या कह रहा, इधर से घर बहुत, इसने बहुत घर ढा के लेके आई है नदी। नहीं इसका बैक पानी का इधर तो आया भैया, लेकिन ये फ्लाईओवर के नीचे से गया। हाँ। क्योंकि जहाँ गाड़ी पार्क होती है ना, हाँ हाँ हाँ। क्या होती है, हल्की पैड़ी है क्या है ये? हल्की पैड़ी, इसकी पार्किंग में घुसा हुआ था सब जगह पानी। हाँ। ये मेरे चाहने वालों, क्या कह रहे हो मेरे चाहने वालों? भाई साहब उसने भी बहुत घोच मचाई थी वैसे, है ना, बहुत बड़ा यार। लॉर्ड पुनीत आ गया मेरी पार्टी के अंदर बिग बॉस में, जिसने घोच मचाई थी। तो भाई अभी घूम फिर के आ रहे हैं हम वापस आ गए, ठीक है। अभी अजीम भाई को जो है छोड़ते हैं, फिर अजीम भाई दो तीन बाद फार्म हाउस पे चलेंगे, है ना, पक्का चलेगा ना भाई? चलेंगे हाँ, चंडीगढ़ चलते हैं। गाइस आज तो यार हमारे साथ धोखा हो गया है अजीम भाई, धोखा नहीं हो गया, अजीम भाई चला रहे ना गाड़ी, वो शायद इस वजह से आ रहा होगा। तो साथ लिखा रहा था जी मुझे, सात पॉइंट टू भाई। गाइस आज इस पे एवरेज आ रहा 19.2 किलोमीटर। ओ भाई साहब ये मुझे लगे भाई ड्राइविंग की वजह से आ रहा है। जिमनी में ये चला आज तब भी, जिमनी भी 14 का देती है। कितना 14 का देती है ना, अब पता लग गया होगा पूरा उसका, है ना, ऐसे चलाओगे तो। तो भाई इस पे तो 19.2 का एवरेज आ रहा है यार। ऐसा तो नहीं खाली डिस्प्ले में आ रहा भाई, तो उसकी डिस्प्ले में आ रहा है हैं, उसके कहीं उसका कहीं कहीं और देख रहे क्या भाई? ना आ रहा होगा, हम चला भी तो वैसे ही 19.3। अच्छा ओ भाई साहब, भाई ये तो भाई ये थार की बॉडी के अंदर इंडिका का इंजन तो नहीं। मौसम बढ़िया हो गया फिलहाल, और एवरेज भी जैसे एवरेज हो रहा थार का, ऐसा ही मौसम हो गया अभी फिलहाल। देखो मस्त मौसम हो गया है, और इस मौसम में हमें जाना चाहिए था, इस मौसम में हम वापस आ रहे हैं क्यों भाई? मैंने तो पहले ही कहा था भैया, चलो कोई नहीं अब तो घूम आए, दो तीन दिन बाद फिर चलेंगे। तो भाई हमें गलत फहमी थी कि थार एवरेज नहीं देखती है, तो 19.3 का एवरेज। डीजल ऑटोमेटिक है, और डीजल ऑटोमेटिक है भाई, ये दिखा दो नीचे। हाँ ये देखो भाई, डीजल ऑटोमेटिक है, 4x4 का ये लगा हुआ ये, बाकी ये देख लो एवरेज 19.3 का। गाइस आज तो ये धोखा हो गया भाई, ये तो धोखा हमारे साथ। भाई अब दिखा रहा 20 के एवरेज, ठीक है पहले दिखा रहा था कितना, दिखा रहा था 19.23 भी पहुंच गया था, अब पहुंच गया 20 पे पूरा, 20 के एवरेज दिखा रहा भाई। और ये देखो सामने असली एवरेज, अब यहाँ घटेगा सारा एवरेज, देख रहे गाइस टोल टैक्स पे भीड़ देख रहे, भीड़ देखो टोल टैक्स पे। बहुत बढ़िया है, अब यहाँ फंस गए हम, बढ़िया मिलते हैं फिर एक है दो तीन दिन बाद। तो भाई अब गड्डी चलाएगा तेरा भाई, तेरा भाई चला रहा थार, थार वीडियो मैं भाई मैं कल दबा रहा था अभी।
उन्हें कैसा मत करो। ओके मेरी जान, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, मजा आ गया आज। गाइस अभी रजत जा रहा है घर और मुझे जाना है थोड़ा काम से, मैं काम से चलता हूँ अपने, ठीक है, ठीक है पार्टी। तूने मेरा दिल कुछ ऐसे